प्यारे बच्चों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप इस बार के छठ पूजा को पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारे लिए एक इमोशन है। जब भी हम छठ पूजा के गीतों को सुनते हैं तो हमें हमारे सामने वह नदियों का सुंदर दृश्य, सूप में सजे हुए फल और ठेकुआ, विशेष करके ठेकुआ की महक हमारे अंदर तक समा जाती है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यह एक फन है आप सभी के लिए। देखते हैं कि आप सभी अपने छठ महापर्व के बारे में कितना कुछ जानते हो। इस वीडियो को आप अपने माता पिता, दादा दादी और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने जरूर लेके बैठिए, ताकि पता चल सके कि आप लोग अपने छठ महापर्व के बारे में कितना कुछ जानते हो। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष क्लासेस की ओर से छठ पूजा स्पेशल महाक्यूज आप सभी के लिए लेकर आया गया है। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य, दुर्गा, शंकर या राम? बताइए। वेरी गुड, सूर्य देवता की। हम सभी सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। ठीक है, संध्या अर्घ शाम में दी जाती है और उषा अर्घ सुबह में दी जाती है। यहाँ पे दो अर्घ हम सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, छठ पूजा को और किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश का पर्व, रंगों का त्यौहार, लोक आस्था का पर्व या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प सी है, लोक आस्था का पर्व। ठीक है, लोक आस्था का पर्व के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रकाश का पर्व दीपावली को, रंगों का त्यौहार हम लोग होली को बोलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा छठ महापर्व का प्रमुख प्रसाद है? नारियल, ठेकुआ, मिठाई या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए बच्चा। यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, ठेकुआ। ठेकुआ छठ महापर्व का प्रमुख प्रसाद होता है। आप सभी यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोगों में से कितने बच्चों के घर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है और अभी तक आपने नहाए खाए, यानी आज तो लौवा भात है, आपने लौवा और यहाँ पे चावल खूब मजे से खाया होगा। ठीक है, कल खरना है, फिर संध्या अर्घ और फिर उषा अर्घ। छठ महापर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहार, असम, केरल, गुजरात? तो यहाँ पे बिहार, बिहार सही विकल्प है। बिहार राज्य में छठ महापर्व पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। आप यहाँ पे गूगल में सिर्फ सर्च कीजिएगा बिहार और इमेज में जाके सर्च कीजिएगा, तो आपको बिहार राज्य से संबंधित छठ महापर्व की एक ना एक तस्वीर जरूर मिलेगी। तो बिहार राज्य और उससे संबंधित झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में छठ महापर्व पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। पाँचवा पर्व है, छठ महापर्व में कौन सा भोजन खाया जाता है? लहसुन, प्याज, घी या नमक? लहसुन, प्याज, नमक तीनों वर्जित है। घी से बने हम पकवान खाते हैं, चाहे वो घी से बना ठेकुआ हो, खीर हम खा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं। छठा प्रश्न है बच्चा, इनमें से किसने सबसे पहले छठ पूजा की थी? अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर या दुर्योधन? तो सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने यहाँ पे छठ पूजा की थी। बी विकल्प सही है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। सातवां प्रश्न पर्व है, छठ महापर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? एक, तीन, चार या छः? बताइएगा आप सभी। वेरी गुड, छठ पूजा चार दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले होगा नहाय खाए, जिसे कई जगह लौवा भात के नाम से भी जानते हैं या फिर, ठीक है, और दूसरा दिन होता है खरना, खीर खाने को आपको मिलता है, इसके साथ आपको मीठा मीठा गुड़ खाने को मिलता है। तीसरे दिन होता है यहाँ पे संध्या अर्घ, जिस दिन शाम के समय हम लोग नदी, तालाब या डैम किनारे अर्घ देते हैं। और अंतिम होता है यहाँ पे उषा अर्घ, जिस दिन सुबह सुबह हम लोग ठिठुरते हुए गंगा मैया को या फिर सूर्य देवता को यहाँ पे अर्घ देते हैं। छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक, ज्येष्ठ, आषाढ़ या सावन? तो यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली और छठ पूजा
दोनों कार्तिक महीने में मनाया जाता है। नौवां प्रश्न है, छठ महापर्व के पहले दिन को किस नाम से जाना जाता है? खरना, नहाय खाय, उषा अर्घ या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नहाय खाय होता है, जैसा कि आज है प्रथम दिन नहाय खाय। आप सभी के घर में घी से बने पकवान बने होंगे, घी की सब्जी बनी होगी, दाल बना होगा और यहाँ पे अरवा चावल, सेंधा नमक खा सकते हो, ये सभी बने होंगे। अंतिम प्रश्न है, छठ पूजा दीपावली के कितने दिनों के बाद शुरू होता है? 1, 2, 4 या 6? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करना है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे छठ महापर्व को एंजॉय करते हैं वे सभी यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे कि छठ महापर्व कितने दिनों बाद शुरू होता है। जितने भी बच्चों को यहाँ पे छठ पूजा अच्छा लगता है वे सभी कमेंट जरूर करेंगे। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।